हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिएट वेल्थ विद अभी के साथ। तो फ्रेंड, अभी मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है और पैनिक अभी बना हुआ है, क्योंकि FIs बिल्कुल सेलिंग स्टॉप नहीं कर रहे हैं। इस वजह से थोड़ी सी पैनिक है और आप देखोगे तो बाइंग भी उस DIs भी उस लेवल की नहीं कर रहे हैं, और आज तो FIs और DIs दोनों ने ही सेल किया है। तो अभी भी थोड़ा सा हमें कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए और नीचे जो अच्छे स्टॉक हैं, क्वालिटी स्टॉक हैं, डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, उनको बाई करते रहना चाहिए। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं और अब ट्रेंड में हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और वो अभी किन्हीं वजह से कुछ रिजल्ट को लेके इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा नीचे के प्राइस पे अभी वो हमें मिल रहे हैं। तो आइए एक बार उसको डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला स्टॉक है अपार इंडस्ट्री, अपार इंडस्ट्री। तो अभी आप देखोगे तो 698 के प्राइस पे आज क्लोजिंग दिया है और ये लगभग अपने हाई से 20-25% डिस्काउंट पे है। अभी रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत बढ़िया था, बट है ना, मार्केट को थोड़ा सा नहीं पसंद आया। इस वजह से मे बी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट थोड़ा सा, कुछ ईयर ऑन ईयर नहीं, एक बार हम देख लेंगे अभी डिटेल में, वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद हुआ है। तो आप ये देखोगे, आप इसकी डिटेल देखोगे तो अपार फाउंडेड बाई जो भी है धर्म सिंह देसाई, और ये इनकी छोड़ो ये डिटेल, और आप यहाँ पे डिटेल में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखेगा ये किस किस सेगमेंट में काम करता है। तो देखोगे फीचर कंडक्टर ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल TSO एंड पावर टेलीकॉम केबल्स, ठीक है। लीडर इन कंडक्टर्स 48% ऑफ रेवेन्यू इसका आता है, ठीक है। अपार है मार्केट शेयर ऑफ 25%। उसके बाद है ये कंडक्टर में 48% रेवेन्यू यहाँ से आता है इसका कंडक्टर से। उसके बाद आप देखो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर है ये एल्यूमिनियम एलॉय रॉड एंड कंडक्टर का, इट सप्लाई टू ऑल 25 ग्लोबल टर्न टर्न की ऑपरेटर्स एंड लीडिंग यूटिलिटी। इसने इन्वेस्ट भी किया है 13 से 19 तक। उसके बाद आप देखोगे लीडर इन स्पेशलिटी केमिकल 30% ऑफ रेवेन्यू। तो आप ये चीज़ें एक बार डिटेल देख सकते हो यहाँ से भी, और 350 ग्रेड ऑयल्स विच 500+ वेरियंट ऑफ द ट्रांसफार्मर्स ऑयल्स, ठीक है, वाइट ऑयल्स, पेट्रोलियम जेली एंड प्रोसेस ऑयल। इट हैज़ अ मार्केट शेयर ऑफ 45%। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ ट्रांसफार्मर्स ऑयल्स, समझ सकते हो आप। तो इस तरीके से इसके बाद है पिनोर इन ट्रांसफार्मर ऑयल्स इन इंडिया 60% मार्केट शेयर इन पावर ट्रांसफार्मर ऑयल 40% इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ऑयल। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बढ़िया कंपनी है। उसके बाद ये लीडर इन पावर एंड टेलीकॉम केबल्स 22% ऑफ द रेवेन्यू इसका आता है जो पावर और टेलीकॉम केबल्स है। उसमें भी आप देखोगे लीडरशिप जो है इसकी, लीडिंग प्लेयर इन केबल्स लार्जेस्ट इन केबल ऑफ रिन्यूएबल सेक्टर में, और इस रिन्यूएबल सेक्टर का डिमांड आप देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है। इनके जो कस्टमर हैं BSNL, रिलायंस जियो, ठीक है, ये सब हैं और भी लोग हैं। तो उसके बाद एक कस्टमर एंड नेटवर्क भी इनका बहुत ही अच्छा है, ग्लोबल USA मेजर क्लाइंट इंक्लूड लार्सन टर्बो लिमिटेड, बताइए, कल्पत्रु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, सब बहुत ही बड़े बड़े हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। स्टॉकिस्ट स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया, एक्सपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट ओवर 100 कंट्रीज लाइक साउथ एशिया। तो इसका सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। उसके बाद अब आइए, हम ये डिटेल आप लोगों को दिखानी थी कि ये क्यों मैं इस स्टॉक को, मैं इसमें हमेशा बाइंग करता रहता हूँ जब भी ये डिप में मिलता है, और एक छोटा प्रॉफिट बुक भी करता रहता हूँ। तो अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे मुझे मिल रहा है, तो मैंने इसमें खैर बाई कर लिया है, कल ही बाई कर लिया था इसमें। तो मैंने सोचा ये चीज़ एक बार आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। डिविडेंड 10 रुपये डिविडेंड यील्ड है, ठीक है, 10 रुपये देता है, बहुत ही गजब का। और अभी जो बहुत ही सस्ते PE पे ये कंपनी मिल रही है, बहुत ही सस्ते 12 के PE पे कंपनी मिल रही है। तो जो ग्रोथ है इसमें वो बहुत ही अच्छा, अभी दिसंबर क्वार्टर में
116%, ये है ना, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा गिरा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये 128 से ये हुआ ना, इस वजह से थोड़ा सा। बाकी अगर आप सेल्स में देखोगे तो सेल्स लगभग थोड़ी सी सेल्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डाउन हुई है, तो इस वजह से ये शेयर हमें आज 20-25% डिस्काउंट पे मिल रहा है। प्रॉफिट में भी थोड़ी सी वो हुई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप एनुअली देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। और तो ये आपको आप देखोगे तो छः, ये अच्छा ये मार्च 21 का है डेटा, एनुअल अगर दिसंबर आप देखोगे तो उसमें कोई वो नहीं है। और उसके बाद कंपनी के पास रिजर्व भी बहुत ही अच्छा खासा रिजर्व है, रिजर्व पे इन्होंने अच्छा काम किया, 1485 लगभग 1500 करोड़ का रिजर्व है, और बारोइंग जो है कभी भी ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि कंपनी अभी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते जा रही है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखोगे तो 60% है, ठीक है, प्रमोटर ने को अपनी कंपनी में भरोसा है, इसलिए उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई, एफ आईज ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है, और डी आईज ने भी बढ़ाई है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है, और पब्लिक ने कम किया, यानी स्ट्रॉन्ग हैंड में शेयर चला गया है। तो अभी इसमें ग्रोथ बहुत देखने को मिल रहा है। एक बार इसका हम टेक्निकल अगर देख लें तो ये इसका हमने चार्ट ओपन किया है, और इसमें कुछ बहुत खास इसमें ऐसा कुछ टेक्निकल दिख नहीं रहा है, बट अभी ये इस लेवल पे अपना एक सपोर्ट ले रहा है और इसको ये मेंटेन कर रहा है, और यहाँ पे 3 दिनों से यहाँ पे ये 31st, हाँ यानी मतलब 3-4 दिनों से ये लगभग इस लेवल को सपोर्ट कर रहा है, और देखते हैं क्या करता है। और मैंने यहीं पे बाइंग किया था, कल ही बाइंग किया था, मेरी 698 की बाइंग है, तो देखते हैं, क्योंकि मुझे इसमें कोई स्टॉप लॉस लेके मैं ऐसी कंपनी में काम करने का कोई मतलब नहीं बनता जो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग हो कुछ हो। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने ये पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो दूसरा स्टॉक है जुबिलेंट वर्क फूड फूड वर्क्स, ठीक है, तो ये भी कंपनी ने लेटेस्ट एक बार इसके अगर गूगल पे हम देख तो ये आप देखोगे यहाँ पे जुबिलेंट इसने अनाउंस किया है स्प्लिट करेगी शेयर को अपने, जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है ना, तो वो स्प्लिट करेगी। चलो एक बार डिटेल में जाना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये स्प्लिट की न्यूज़ है, और जुबिलेंट फूड वर्क्स कोई फंडामेंटल बताने की ज़रूरत है नहीं, हर कोई जानता है इसके बारे में, शेयर्स के बारे में। और अभी यहाँ पे क्या है कि स्प्लिट की न्यूज़ है, और यहाँ पे पैनिक करके 3,000 तक का लो बनाया था मॉर्निंग में, और इसको पैनिक करके और जो वैसे इन्वेस्टर हैं जो रिटेलर हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, और अभी भी आप देखोगे 32 का क्लोजिंग दिया है, तो एक अच्छे लेवल पे 32 की यहाँ पे ये है ना, हाँ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, बिल्कुल सपोर्ट पे ही क्लोजिंग दिया है। और इस चैनल में ये आप देखोगे इस चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये इस चैनल में ये ट्रेड कर रहा है, तो अभी अगर इस चैनल में भी हम ट्रेड करें तो इंस्टेंट जो है हमें 15% का यहाँ से, सॉरी अभी इस लेवल से 20% का सीधा सीधा यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी क्वांटिटी आज ऐड की, और अगर इससे नीचे और आता है तो मैं और ऐड करूँगा, क्योंकि वैसे नीचे आने का कोई चांस नहीं है स्पीड की न्यूज़ पे, आपको पता है, तो ये हो सकता है कल एक अच्छा जंप दिखा सकता है, अगर थोड़ी सी मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रॉन्गनेस आई तो ये अच्छा एक जंप दिखा सकता है। तो यहाँ पे 20% का इमीडिएट टारगेट यहाँ पे बन रहा है, जो इस यहाँ से भी अगर रिजेक्ट होता है तो भी 20% हमें इजिली मिल जाएंगे। तो ये जुबिलेंट फूड वर्क्स पे मेरा व्यू था। जो नेक्स्ट स्टॉक है, तो जो हमारा थर्ड या फोर्थ जो भी है, थर्ड स्टॉक जो हमारा है रेडिंगटन इंडिया, आप देखोगे तो 12,710 करोड़ का मार्केट कैप है, जो अभी इसकी करंट वैल्यू चल रही है 163 है, और जो लाइफ टाइम हाई है 179 है। तो अभी ये स्टॉक लेटेस्ट ही अपने आप को स्प्लिट किया था, इस वजह से इस रेट पे ये मिल रहा है। तो ये आईटी से रिलेटेड कंपनी है, इसका आप एक बार डिटेल देखोगे तो ये आप देखो मेजर प्लेयर इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन विद 235+ इंटरनेशनल ब्रांड इन आईटी, ठीक है, मोबिलिटी स्पेस सर्विंग 35 इमर्जिंग मार्केट। तो बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आप इसके देखोगे तो ब्रांड जो पार्टनर हैं एप्पल नोकिया अमेजॉन, ठीक है, सोल्यूशन हिटैची रेड हैट, ये सब इसके
ये ना रेपुटेड ब्रांड पार्टनर हैं इसके, और इंडियन ऑपरेटन इंडिया ऑपरेशन आर कैटरिंग सर्विस थ्रू वेरियस सेगमेंट्स कंज्यूमर बिजनेस, ठीक है, प्रिंट पीसी ये सब में। और उसके बाद आप ये दो इसके जो प्रोडक्ट हैं, ये यहाँ पर रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, पीसी, नोटबुक, टैबलेट, प्रिंटिंग सॉल्यूशन, सर्वर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग सॉल्यूशन, तो इस टाइप के इसके प्रोडक्ट हैं और बहुत ही सुपर कंपनी है। उसके बाद आप इसका देखोगे तो डिविडेंड भी बहुत ही अच्छा है, और अभी ये भी बहुत ही सस्ती पीई पे हमें मिल रही है, 12 के पीई पे ये भी मिल रहा है। और यहाँ पे इसका आप ग्रोथ अगर एक बार आप देखोगे तो एनुअल हम देख लेते हैं सीधा सीधा, तो 13,758 से अभी इसका आप देख रहे हो इसका 56,946 करोड़ का इसका सेल्स जो है जनरेट हो रहा है, ठीक है। उसमें आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और उसके बाद हम अगर इसके रिजर्व की बात करें तो 4,856 करोड़ का रिजर्व है, 622 कुछ नहीं होता, एकदम यहाँ पे कम कर दिया इन्होंने बारोइंग को। तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही अच्छा है, तो 40% ये देखो 40% अभी इस क्वार्टर में फिर से बढ़ा लिया, और यहाँ पे डीआईज ने भी बढ़ाया है और एफआईज ने बढ़ाया है, और अरे ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो यहाँ मतलब बिल्कुल पब्लिक के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। 24, 3, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, मतलब 30%, 13% केवल पब्लिक के पास है, नहीं तो सारे ये बड़े प्लेयर्स हैं जो इन्होंने ले रखा है। बहुत ही सुपर कंपनी है, और थोड़ा अभी ये स्प्लिट हुआ था इस वजह से थोड़ा चल नहीं रहा है शेयर, बट इसमें एक अच्छे लेवल पे ये सपोर्ट कर रहा है। एक बार इसका हम चार्ट देखते हैं, तो इसके भी चार्ट में कुछ बहुत कुछ खास यहाँ पे देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है। पहले आप देखोगे तो ये यहाँ पे ये इसका एक हर्डल बना था और इस रेंज इसी में ये ट्रेड कर रहा था, निकल नहीं पा रहा था, तो यहाँ से ये निकल के अभी एक अच्छा यहाँ पे उसी लेवल में आराम से सपोर्ट ले रहा है, तो देखते हैं। तो यहाँ से एक अच्छा जंप दिखा सकता है, तो थोड़ा सा पेशेंस चेक कर रहा है, होल्ड कर सकते हैं इसको। और ऐसे स्टॉक्स में मेरा जो व्यू है, अगर ट्रेडिंग आप नहीं कर रहे हो तो इसमें स्टॉप लॉस की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये अप ट्रेंड में ही आप देखोगे इन ऐसे शेयरों को। जो हमारा लास्ट लास्ट स्टॉक है वो है कार्बोरंडम यूनिवर्स, जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, और इसने बहुत ही अच्छी अच्छी रैलियाँ हमें दी हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कराया है। तो ये है कि एक लंबी जर्नी नहीं ये तय कर पा रहा है अभी स्टॉक, तो इससे इसमें परेशान होने की कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। आप टाइम टू टाइम इसमें आराम से ऐसे स्टॉक्स में, अभी ये क्या है आप देखोगे इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है लगभग, ये एक आप देखो तो मुझे अभी ये जो यहाँ से ग्रोथ, तो यहाँ से जो ग्रोथ मुझे अभी इस लेवल पे ये चल रहा है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसा कि यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके और यहाँ से एक बार अच्छा खासा यहाँ पे इस ट्रेंड को ये फॉलो करना की कोशिश करेगा, कोशिश करने, तो 24% का यहाँ पे भी हमें सीधा सीधा यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, सुपर कंपनी है। तो ये जो इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है इस चैनल में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ये बाहर निकलेगा। तो फ्रेंड ये कुछ स्टॉक्स थे जिनको हर डिप में हम थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं, थोड़ा 6 मंथ से 1 ईयर्स के लिए भी, बहुत ही अच्छे ये स्टॉक्स हैं जो इस प्राइस पे मिल रहे हैं। एक बार फिर से अप ट्रेंड होगा तो ये फिर इस प्राइस पे मिलना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।